आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है एट अ पॉइंट ए ऑन द अर्थ सरफेस ऑफ एंगल ऑफ डिप डेल्टा इज इक्वल्स टू 25 डिग्री। एट अ पॉइंट बी ऑन द अर्थ सरफेस द एंगल ऑफ डिप इज माइनस 25 डिग्री। ठीक है, तो आपको बोला गया है कि वी कैन इंटरप्रेट दैट। सबसे पहले तो क्वेश्चन को समझने वाली बात है कि अर्थ की सरफेस पे एंगल ऑफ डिप जो है वो क्या है, पॉजिटिव 25 डिग्री है ए पॉइंट पे। ए पॉइंट पे क्या है एंगल ऑफ डिप जो है, जिसको मैं बोल सकता हूँ डेल्टा, वो कितना है प्लस 25 डिग्री। ठीक है, और बी पॉइंट पे जो डेल्टा है वो कितना है माइनस 25 डिग्री है। तो अर्थ की जो मैग्नेट होती है, ठीक है, उसका नॉर्थ पोल होता है, ठीक है, अगर वो साउदर्न हेमिस्फेयर में चला जाए, नॉर्थ पोल किस में चला जाए, साउदर्न हेमिस्फेयर में, ठीक है, तो एंगल ऑफ डिप क्या आता है, एंगल ऑफ डिप आता है पॉजिटिव। ठीक है, क्या आता है एंगल ऑफ डिप पॉजिटिव। ठीक है, ये मैग्नेटिक्स मैग्नेट्स की कोर प्रॉपर्टी है कि जब आपका नॉर्थ पोल जो अर्थ का है वो साउदर्न हेमिस्फेयर में होगा तो पॉजिटिव आएगा एंगल ऑफ डिप। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ए को मान रहा हूँ अपने नॉर्थ पोल और बी को मान रहा हूँ साउथ पोल। ठीक है, ए अगर नॉर्थ पोल पे है तो साउदर्न हेमिस्फेयर में होना चाहिए, तभी तो एंगल ऑफ डिप पॉजिटिव आ रहा है। और बी अगर नेगेटिव दे रहा है आपके पास में एंगल ऑफ डिप, इसका मतलब ये किस में होना चाहिए, ये सेम उसमें होना चाहिए नॉर्थ हेमिस्फेयर में, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। ठीक है, अगर ये भी पॉजिटिव होता, बी भी पॉजिटिव होता, ठीक है, बी अगर पॉजिटिव होता बी का एंगल ऑफ डिप, तो मैं बोलता कि बी पॉइंट जो है वो भी किस में है साउदर्न हेमिस्फेयर में। मैंने इनको मान लिया कि किसी टाइम पे ये लोकेटेड है नॉर्दर्न नॉर्थ पोल पे लोकेटेड है, किसी भी पोल पे किसी भी पॉइंट पे आप मान सकते हो। अगर एंगल ऑफ डिप पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब जो नॉर्थ पोल है वो किस में होना चाहिए, साउदर्न हेमिस्फेयर में होना चाहिए, यानी कि ए पॉइंट तो किस में चला गया, साउदर्न हेमिस्फेयर में। तो ये बात तो बिल्कुल करेक्ट है, ए इज़ लोकेटेड इन द साउदर्न हेमिस्फेयर। ठीक है, और बी की अगर मैं बात करूँ, बी के लिए एंगल ऑफ डिप क्या है, नेगेटिव है, तो बी किस में होना चाहिए, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। अगर बी के लिए भी पॉजिटिव होता तो मैं बोलता दोनों के दोनों किस में है साउदर्न हेमिस्फेयर में है, लेकिन ए के लिए पॉजिटिव है बी के लिए नेगेटिव है, तो ए साउदर्न हेमिस्फेयर में और बी नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में चला गया। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल का 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।